वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विजुअल आउट टिप्स। खत्म, बर्बाद रिलेशनशिप में जान फूंक देगा, बस ये एक शब्द याद कर लो। जो तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, जो पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व हो रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ खुशियां ढूंढ रहा है, वो घूम रहा है, फिर रहा है, अय्याशी कर रहा है, ठीक है, तुम्हें ना कॉल किए जा रहे, तुम्हें ना मैसेज किए जा रहे, तो कौन सा एक शब्द बोलना है जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे लट्टू होके, बावला होके, टुकड़ी टुकड़ी भागता फिरे, तुम्हारा गुलाम बना रहे और तुम्हारे लिए ही सोचे, जो कल तक तुम्हारे बिना रह नहीं पाती थी, रह नहीं पाता था, हजारों कॉल मैसेज आते थे, आज तुम्हारे बिना वो खुश है, तुम्हें ब्लॉक करके उसको सुकून मिल रहा है, तुम्हें अनफॉलो करके उसे शांति मिल रही है, ठीक है, तुमसे दूर रहकर वो अपनी जिंदगी जी रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पॉइंट पे आएंगे, इस पहलू पे आएंगे, इस कड़ी से कड़ी को मिलाकर इस कड़ी को खोल देंगे और तुम्हारी जिंदगी को आबाद कर देंगे। रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो कॉल बुक कर लेना है, मेरे नंबर दिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना, जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ तो वहीं प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की जाएगी, बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं, जिंदगी से ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। अब आएंगे मेरे पॉइंट पे, पहले हम चीज़ों को समझेंगे कि चीज़ें ऐसी हुई क्यों, अब इनका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, पहले जाँच करता है, पड़ताल करता है कि साला इसकी हड्डी यहाँ मोड़ी हुई है, यहाँ पिछवाड़े में बैंड है, यहाँ मोड़नी पड़ेगी गर्दन, यहाँ इसके टाँका लगाना पड़ेगा, फिर इसके टाँके खोल के इसको सही करना होगा। ऐसे हम रिलेशन को जोड़ तोड़ मरोड़ के देखेंगे। तो ध्यान से सुनो, आप 5 महीने के रिलेशनशिप में हो, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, अब कंडीशन क्या आ चुकी है? अब कंडीशन ये आ चुकी है, आपकी चीज़ों ने ही वो रिलेशनशिप ख़राब करा है, उसकी चीज़ों ने, आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना नहीं सीखा, आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना नहीं सीखा, आपने चीज़ों को थोपना सीखा है, ठीक है। आपने माइंड को ध्यान से दौड़ाओ, आपने ऑब्जर्व नहीं करा, ऑब्जर्व। अगर आप करते तो आपका रिलेशनशिप बेटर देन बेटर होता। आपने क्या रहा कि आपने पार्टनर की खुशियाँ ढूंढी है, ठीक है, खुशियाँ देने की कोशिश करी है, उसको जो चीज़ नहीं पसंद वो भी आपने करना ज़रूरी समझी है, जो चीज़ उसे नहीं चाहिए वो भी आपने कर दी, ठीक है। आपसे कभी रिलेशनशिप में ना नहीं हुआ, आपसे हाँ 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 हुआ है तो आप बेवकूफ़ बन गए, आपकी लाइफ टोटली झंड कर दी गई है, ठीक है। सामने वाले ने चीज़ों को ना करना सीखा है, सामने वाले को अगर नीड आपसे मिलने की, आपसे हाँ 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 हुई है, कभी ना नहीं हुई, आप शादी में जा रहे हो, घर का काम है, हॉस्पिटल में हो, आपने हाँ करी है, सामने वाले ने कही है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तो आपसे हाँ 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 हुई है, आपसे ना नहीं हुई, ठीक है। और यही रूल अप्लाई करते हैं आपके पार्टनर पे, अगर आपने मिलने के लिए कहा है, पार्टनर कहीं बिजी है तो उससे ना हो गई और आप वहाँ पागल हो गए, आप यूँ सोच में डूब गए कि साला मैं हाँ करता रहता हूँ, ये ना कर रही है या कर रहा है, ऐसा क्यों, प्यार नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ क्या हुआ, फिर आपका प्यार एकदम, आपका जो स्ट्रोंगनेस फीलिंग थी ना वो पूरी टूट जाती है और आप नीचे डूब जाते हो और सामने वाला ऊपर चल जाता है, फिर आप इसके पास जाते रहते हो इसको मनाने के लिए, इसमें एफर्ट्स लगाने के लिए, और सामने वाला झुकता 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 आपको झुकाते झुकाते आप यहाँ पूरा एफर्ट्स लगा देते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि सामने वाले वाली हरकतें करनी है, सामने वाला अगर मिलना नहीं चाह रहा, वो अगर आपसे मिलने के लिए कह रहा है तो आपको भी मना करना, आपको झुकना, ताकि ये ऊपर आता रहे, आपको मनाता रहे, आपको ये कहना हाँ मैं मिलने आऊँगा कल 10 बजे पक्का मिलूंगा। एंड मोमेंट पे आपको करना क्या है, अपने पार्टनर का जब भी कॉल आया, अरे यार मैं नहीं मिल सकूंगा, मम्मी को कोई काम आ गया, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, कोई फंक्शन है, ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ, फ़ोन मुंह पे कट कर दो, उसकी मत सुनो, फिर 10-15 मिनट बाद एक स्टेटस डालो, वो आपका पार्टनर देखना चाहिए, अगर नहीं देख रहा तो आपको कॉल वगैरह नहीं करने, 3-4 घंटे बाद आपको एक मिस कॉल देना, अगर उसका कॉल नहीं आता तो, अगर उसका कॉल आ जाता अटेंड करना, हाँ यार कोई नहीं हम परसों मिलेंगे, आप फ्री हो, फिर वो कहना अब नहीं फ्री, कि ठीक है जब भी आप 15-20-1-2 महीने में जब भी फ्री रहो बता देना, हम तब मिलेंगे, उसको चीज़ एकदम खटके की, क्या है ये, कल तक तो मेरे पीछे पागल था आज ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है, ठीक है, वो सोचने को मजबूर हो जाएगा। और आपको क्या करनी है, आप समझ जाओ उसका माइंड डिस्टर्ब कर दिया आपने, वहाँ पर स्टेटस डालने लग जाओ, वो यूँ कहना तेरे को कदर नहीं है, मेरे को नहीं मिलना नहीं रहना, यूँ कहना ठीक है यार आपकी मर्जी, सबकी सिचुएशन आ जाती है, आपको वहाँ वो डाल के चुप हो जाना है, चीज़ें अच्छी होंगी, गड़बड़ाएगी नहीं, एकदम आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे कि सामने वाला आपके लिए सोचना जरूरी समझ रहा है। चीज़ों को ख़त्म मत करो, रिलेशनशिप को ऐसा ख़त्म करने की सोचो कि सामने वाले के अंदर से ही प्यार जगना स्टार्ट हो जाए। और दूसरी गलती तुम क्या कर देते हो, तुम्हें एक सबसे बड़ा डर यह आता है कि यार अगर हम कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, हम पैसे नहीं देंगे, हम अगर ना कर देंगे, उसने बुलाया ऑन द स्पॉट नहीं मिलेंगे, अगर हम उसे खुशी नहीं देंगे, जो चीज़ उसे चाहिए अगर नहीं देंगे तो किसी और लड़के से प्यार ना करने लग जाए, और लड़की से प्यार ना करने लग जाए, वो आपका सोचना सही है, किसी और के साथ इंटीमेट फिजिकल ना हो जाए, बहुत सारे आपका डर आता है
अगर वो उसने उससे बात कर ली, भैया से, चाचा से, दीदी से, जिया जी से, बहन से, किसी से भी, पड़ोसी वड़ोसी से, उसका चक्कर ना चल जाए, आपके दिमाग में 24 घंटे डर आता है, खोने का डर आ चुका है, और आपके पार्टनर से आपने वो डर निकाल दिया, तो एक चीज़ बताऊंगा, आज आप कॉलेज ऑफिस जाते हो, क्या सारे लड़के आपके बॉयफ्रेंड है? क्या सारी लड़के आपके गर्लफ्रेंड है? क्या नहीं है ना, तो उसकी क्या गली में आपकी सारी आंटियाँ गर्लफ्रेंड है? क्या सारे अंकल बॉयफ्रेंड है? क्या नहीं है ना, तो उसकी सब कैसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाएंगे? अगर वो सब में मुंह मार रही है तो कैरेक्टरलेस लड़की है, कैरेक्टरलेस लड़का है, तो आज नहीं तो कल आपका डिवोर्स होगा, तो बढ़िया ना, वो आज ही आपके सामने सच्चाई आ रही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ऐसे गधियों को रंडवों को लात ही मारोगे? अपनी ज़िंदगी में आबादी चाहिए ना, आबादी चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, ठीक है, बर्बादी नहीं चाहिए, तो ऐसे बर्बाद पार्टनर को लात मारना, निकाल के फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, आपको खोने का डर डालना है, एक तो आपको अपना जिम रूटीन स्टार्ट करना है, एक अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, एक अपने लुक्स पे ध्यान देना है, एक अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है, एक पैसे पे ध्यान देना है। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास हुई तो पार्टनर भी आपके लिए सोचेगा, और सबसे प्यारा पॉइंट यही है कि आपको उनको कभी नहीं शो करना हम आपके पीछे पागल हैं, हम नहीं रह पाएंगे। ये चीज़ अगर आपने शो कर दी तो सामने वाला आपको रद्दी समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, उसको कभी आपकी फीलिंग की कदर नहीं होगी, कभी उसको आपको प्यार नहीं दिखेगा, कभी आपके एफर्ट्स नहीं दिखेंगे, आप जितना करोगे वो एक ही चीज़ कहेगा, आपका पार्टनर सब करते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? फिर आपको चीज़ें हर्ट होंगी, आप कितना ही अच्छा कर लो, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई कम कर रहा है वहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो समझ जाओ वो आपको जला रही है, तड़पा रहा है वो आपको, ठीक है, आपको कम चीज़ें करनी है। देखो आप ज़्यादा कर रहे हो तभी आपको ना के बराबर गिना जा रहा है, तो इससे अच्छा करो ही मत ना, साला आप कर रहे हो, आपके हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हो और ना के बराबर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इससे अच्छा ना के बराबर चीज़ें करो ना, रिस्पॉन्स तो वही मिल रहा है, फिर आप खुश रहोगे, फिर आप मजे लोगे, हर तरीके से आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, हर तरीके से आप मस्त रहोगे। तो आपको चीज़ों को ऐसे टैकल करना, रिलेशनशिप भी बढ़िया होगा, आपकी लाइफ भी बढ़िया होगी, आपकी ज़िंदगी भी आबाद हो जाएगी, तो ऐसे आप करना, ठीक है, रिलेशनशिप कोई ख़त्म नहीं होगा, मस्त चलेगा, टेंशन फ्री रहो, कहीं नहीं जाएगी, अपना है अपना रहेगा, पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, समझा नहीं समझे चरकंडो, समझ गए, वेरी गुड, ठीक है, चिरकुटों की तरह भागो मत, बस ऐसे अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ें अप्लाई करो, रिलेशनशिप बढ़िया होगा, मस्त रहोगे, ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।